चेन्नई स्नेक पार्क, तो बहुत सारे सांप देखने को मिलेंगे। बुरा सिबू कोबरा, ओहो ये देख लो भाई इगुआना इतने नजदीक से। पल के भी नहीं चिपका रहा ये, तू ये कितने साइलेंट है, जस्ट आ चुके। फूक मारी उसने नाक से, कुछ निकला उसके। कहाँ चढ़ेगा ओ बेटे, कहाँ चढ़ेगा? तेरे को देख रहा है ये तेरे पास आना चाह रहा है, कह रहा सिब्बू मेरे को खिला ले यार, गोदी में ले ले, घुमा ले यार। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं अभी। एक्चुअली इसका नाम गुंडी नहीं, गिंडी बोल रहे हैं ये, पर वो जब मैंने पढ़ा तो गुंडी लिखा हुआ था, लेकिन अभी ये ऑटो वाले ने बोला गिंडी। डेली बॉय, बिकॉज़ यू आर डेली बॉय, ही इज चेन्नई बॉय। चेन्नई यो भाई, चेन्नई का छोरा है। मैं इससे बोला कह रहे लेगा, बोला गिंडी गिंडी, मगर ठीक है। तो अभी नेशनल पार्क जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं अच्छे अच्छे जानवर देखने को मिलेंगे। और कोई ठीक सा जानवर मिला तो सिब्बू को उसी के पास छोड़ाएंगे, आराम से अपनी जिंदगी नेशनल पार्क में स्पेंड करेगी फिर ये पूरी। यार तो तुम्हें वहाँ छोड़ने की क्या जरूरत है, जब मैं डेली अपने साथ एक जानवर लेके घूमती हूँ तो कुछ भी। सिब्बू रिट्रीवर खुद जानवर है, सिब्बू रिट्रीवर। गाइस अभी हम लोग यहाँ आए चेन्नई में, ये देखो अभी यहाँ आए हम, और हमें यहाँ से यहाँ जाना है गुंडी। गुंडी ये देखो, गुंडी है गिंडी है क्या है, गुंडी है गिंडी है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ अभी हम लोग, ये ब्लू डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से लेके हमें यहाँ जाना है गुंडी नेशनल पार्क। और हमारा जो होटल था वो बिल्कुल यहाँ था समुद्र के किनारे। और ये देखो गाइस, ये रास्ते में एक साउथ इंडियन टेम्पल, ये देखो भाई यहाँ का आर्किटेक्चर अच्छा लगता है ना, जो इनके टेंपल्स का आर्किटेक्चर होता है ना साउथ इंडिया में, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो भाई जितना भी दिखेगा, ये देखो भाई हम आ गए नेशनल पार्क, और सिब्बू को दिखाऊंगा आज डायनासोर, हीराकुंडी चिल्ड्रंस पार्क, बहुत कुछ होएगा यहाँ पे देखने के लिए घूमने के लिए। तो लेट्स सी, आई होप कि अच्छा हो सब, मज़ा आएगा। सिब्बू पार्किंग पर वेटिंग सर, यू वेटिंग हेयर दोस्तों। तो दो सिब्बू गिरी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गुंडी नेशनल पार्क, और यहाँ पे है स्नेक, चेन्नई स्नेक पार्क, तो बहुत सारे सांप देखने को मिलेंगे। वैसे तो जिंदगी में सांपों की कमी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार एक और सांप। अबे तू चल। ओ भाई ये देखो, ये देखो ये सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे सांप। ये क्रोकोडाइल नहीं है, वो गो है, ये गोरे सांप भाई। और ये इस टाइप का देखते हैं ऐसा कुछ क्या क्या देखने को मिलेगा। ये भाई सारे के सारे साउथ इंडियन लोग यार, चल चलते हैं नागराज, लेट्स गो। ये बाय रेट लिस्ट है, चिल्ड्रंस 10 रुपये, सस्ता है, मतलब इक्विपमेंट्स कैपेबल ऑफ टेकिंग वीडियो 100 रुपये, मतलब मोबाइल कैमरे के तो 10 रुपये ही है। तो गाइज अभी ये देखो अल्बिनो पाइथन, सिब्बू कितने हैं? ये रहा पाइथन, एक ही है, कितना बड़ा है ये? अरे अजगर है पूरा, निगल जाएगा तेरे को ये, पर छोटा सा है कैसे निकलेगा, तुम्हें जकड़ सकता है ये। हिल रहा है, सांस ले रहा है, कुछ कर रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बस खाना खा के। डुप्लीकेट तो नहीं है? ऐसे नहीं होता, इंस्टा खा के सो जाता है, ऐसे ही पड़ा हुआ खा के लौट गया, नहीं डुप्लीकेट तो नहीं, ओरिजिनल है सब। ये देख ऐसे भी कुछ करवाते हैं क्या यहाँ पे, क्या है ये गर्दन पे लटका, उसी पे सांप, पागल हो क्या यार? यार ऐसे मजाक मत करो मेरे साथ। और भाई ये वाला क्या है, हाँ ये वही सेम एल्बिनो, एल्बिनो स्नेक, वो अलग, ये पढ़ लेना भाई इंग्लिश में, पढ़ लेना इसके बारे में, वो सेम है सिबुअल भी है, वो छोटा है। चलो नेक्स्ट स्नेक देखते हैं। बेटा तेरे को निकल जाऊंगा वेनमस स्नेक जोन। ओ भाई ये देख सिबू, अभी आई एम वेनमस स्नेक जोन, यहाँ पे जहरीले सांप है। वो रहा देख, वो रहा वो रहा, वो कुछ दिखा रहा है करतब, कोबरा करतब।
क्या कर रहे हैं? What's going on here? यार वो ना वो ब्लैक एंड वाइट है देख. हाँ? ब्लैक एंड वाइट है वो देख. कुछ दिखाई दे. बोरा सिबु कोबरा. ओहो. ये भाई देखो स्पेक्टेकल कोबरा. आइए कभी तू ऐसे स्नेक नेशनल पार्क में. नहीं कभी नहीं देखे. सही है ना मजा आता. वो देख फन फैला के खड़ा है. सिबू को डस ले. इसकी मन की इच्छा पूरी कर दे. ये देख सिबू कितने प्यार से देख रहा है तुझे. ले मेरी चिब्बू. ले मेरी चिब्बू. पप्पी दे दे चिब्बू. चाट लेगा सिब्बू को. ऐसी पप्पी देगा ना कि सीधा स्वर्ग में पहुंचा देगा पप्पी देके. भाई कितने साफ है. 3-4 तो इसमें पड़े कुंडली मार के. और एक ये रहा. एक वो फन फैला के खड़ा. और एक ये घूम रहा है. हाँ वो चल नेक्स्ट देखते हैं. और भाई स्पेशल बोर्ड लगा है वेनमस. तो गाइस ये है कॉमन कैरेट, इंडिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप. और भाई ये देखो मटके में बैठा हुआ है. ये वही वाला सांप है जो ओमैक्स में निकला था ना बहादुरगढ़ में. जो वो पकड़ पकड़ के वीडियो डालते थे बारिश में निकलते थे. ये वो वाला है कॉमन कैरेट. भाई यहाँ देखो सांप कहाँ है बताओ. दिख रहा है कहीं? ये देखो ये रहा सांप. ये रहा दिखा. ये है भाई सो स्केल्ड वाइपर. और ये देखो भाई ये है इंडो चाइनीज स्पिटिंग कोबरा. मतलब ये जहर थूकता है ज्यादा तो इसका नाम स्पिटिंग कोबरा ही है. ये देखो कैसे पड़ा है. मतलब ना इतना कुछ अच्छा जस्टिस कैमरा में नहीं हो रहा लेकिन जो मैं हम डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं ना वो देखने में बहुत मजा आ रहा है. ये है बैम्बू पिट वाइपर. दिख नहीं रहा यार. कहाँ रहा? कोने में. नहीं है. बैम्बू के अंदर घुस रहा होगा कहीं. ऐसा दिखता है वो. इंडिया का मैप है ये. ऐसा दिखता है वो. ये होता है वो. कहाँ है यहाँ? दिख रहा है कहीं? नहीं है ना. नहीं है. ग्रीन पेड़ नहीं है ये. लेंस लगा ले या चश्मा लगा ले तू. इसको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई. और भाई वो देखो वो कछुए. ये देखो गाइस कछुए. ये तो हमारे गांव में भी मिल जाते हैं कछुए तो रोड पे चलते हुए. तो गाइस ये देखो अभी आपको दिखवाते हैं इगवाना. ये लोग ना पेट रखते हैं इगवाना को. ये मतलब पेट होते हैं मोस्टली ना. ये शाकाहारी होते हैं. और ये वो देख इनका खाना भी देख. वेजिटेबल्स पड़े होंगे. हाँ इगवाना पिस. वो देख वो इंस्टा की तरह झाक रहा है बाहर. कोई तो निकाल दो मुझे बाहर. ये देखो गाइस 3 इगवानास यहाँ पे. इसने मुंडे घुमाई थी. इस साइड से देखना ये वाला. ये देख क्या हाल है डार्लिंग. क्या हाल है डार्लिंग. हाथ उसने पास कर लिया. अपने हाथ पास कर लिया. कहाँ कर लिया? ये देख लो भाई इगुआना इतने नजदीक से. पलके भी नहीं चिपका रहा. ये तू छोटी बड़ी कर रहा है पलके थोड़ी सी. ये देख ये कितने साइलेंट है. जो स्टैचू फूक मारी उसने नाक से कुछ निकला उसके. कितना स्लो मतलब स्टैचू की तरह है. ये साइलेंट ही होते हैं मोस्टली. क्रोकोडाइल भी साइलेंट होते हैं. तेरे को छोड़ दो इनके बीच में. अच्छा ये पेट लिया हूँ घर पे. ऐसा मुझे डर लगता है यार छिपकली के प्रजाति से. इगवाना होते हैं शाकाहारी होते हैं और घर पे पेट पाल सकते हैं. लोग पालते हैं एक्चुअली. बहुत लोग पालते हैं. काटते भी नहीं है ये. और समझदार भी होते हैं ये. इंस्टा जैसे तो पता नहीं पर देखो उसने मुंडी हिलाई अभी. इगवानी ये इगवानी में हुई तेरी दीवानी. कहाँ चढ़ेगा ओ बेटे कहाँ चढ़ेगा. तेरे को देख रहा है ये तेरे पास आना चाह रहा है. कह रहा है सिब्बू मेरे को खिला ले यार गोदी में ले ले घुमा ले यार. मेरी फोटो गिर दे अपने इंस्टाग्राम पे यार. ब्लू टिक वाला अकाउंट है तेरा यार. चलो. और गाइज यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी. ये देखो ये अपने नॉर्थ इंडिया में नहीं होता बिल्कुल भी. अब नेशनल पार्क है लेकिन स्टिल एक छोटा सा बहुत अच्छा सा मंदिर बना रखा है. और मूर्ति बहुत पुरानी है गणेश जी की. और ये नाग लगा रखे हैं भाई. बहुत सही भाई. ऐसा अपने नॉर्थ इंडिया में भी हो ना थोड़ा अपना कल्चर. यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा कल्चरल है. मतलब बहुत अच्छे से अपने कल्चर को फॉलो करते हैं. भाई ये कितने सारे अजगर है. तो मतलब आई लाइक साउथ इंडिया एंड आई लव साउथ इंडियंस. उबासी ले रहा है. एक सेकेंड. हाँ वो देखो भाई पाइथन मुंह खोल रखा उसने पूरा. ये देखो ओ शिट सिब्बू तेरे को निकल जाए तो ये इसमें ही वो मुंह खोल रखा पूरा. ये बंद कर लिया भाई. उबासी ले ली उसने पूरी कंप्लीट होगी उसकी उबासी.
काफी सारे हैं यहाँ पे, एक इसके अंदर है, एक पाइथन, ये रहा, ये रे दो, एक ये रहा, एक ये रहा, बहुत सारे हैं। अजगर, अजगर है सिब्बू। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कल्चरल होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ना यहाँ के लोगों का जो वो है ना, मतलब तरीका, मतलब बहुत पसंद आया। तो अपने नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा हो ना कि भाई लोग अपने कल्चर को अच्छे से फॉलो वॉलो करें तो अच्छा लगता है यार। होता ही नहीं वहाँ, वहाँ तो सब अय्याश हो रखे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कल्चर से।